Greetings, students. Today we are going to discuss a new lesson of history. The name of the lesson is Nationalism in India. राष्ट्रीयता की भावना भारत में, यानी भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना किस तरह घटित होती है और जो भारत है वो कैसे आजाद होता है. मॉडर्न नेशनलिज्म In Europe lead to the formation of nation states. जो आधुनिक राष्ट्रवाद की जो भावना यूरोप में आई थी, जिसके कारण नए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ, and it also meant a change of in people's understanding of who देवर. और लोगों ने अपने आप को पहचाना और समझने की कोशिश की कि वो क्या हैं, एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी, और उनकी कौन सी आइडेंटिटी है जो उनको वर्णित कर सकती हैं. एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, न्यू सिंबल्स एंड न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग एंड आइडियाज फॉर्ज्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज. नई दिशाएँ, नई चीज़ें जो रिलेटेड थी किसी कम्युनिटीज से, उनको रिडिफाइंड किया गया. नए आइकन्स, नई भाषाएं, नए चिन्ह प्रतीकों का यूज किया गया. इन द मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज लॉन्ग प्रोसेस. हाउ दिस कॉन्शियस इमर्ज इन इंडिया, वो भारत में कैसे उत्पन्न हुई. वी नो इंडिया वाज ए स्लेव कंट्री, एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. और जो भारत में nationalism की भावना थी वो connected हुई थी किसके against में, anti-colonial movement के against में. यानी जो भावना आई वो उपनिवेशिक के प्रति आई, यानी उनको उसके against थी. और जो लोग थे उन्होंने शुरू कर दिया क्या, डिस्कवरिंग शुरू कर दिया देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म, कि किस प्रक्रिया के तहत हम संघर्ष करके यूनिट होके इस उपनिवेश के खिलाफ लड़ सकते हैं, कॉलोनिज्म के खिलाफ लड़ सकते हैं. जो सेंस थी बींग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर बेस्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टूगेदर. और बहुत से लोग जो भारत में रहते थे वो एक यूनिटी के तौर पर इकट्ठा होते हैं और उस कॉलोनाइजेशन के खिलाफ इकट्ठा होकर संघर्ष करते हैं. और जो एक्सपीरियंस था वो वेरीड करता है, और जो नोशन थे फ्रीडम के वो लगभग विचार जो धाराएं थी वो बिल्कुल सेम रहती है. जो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर दिस ग्रुप्स टूगेदर विद इन वन अंडर अब्रेला, एक छत के नीचे आने का उन्होंने प्रयास किया था कि सभी को इकट्ठा करके एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए इसके. इन अर्लियर टेक्स्ट बुक वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी ऑफ द 1920 एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वी विल एक्सप्लोर How the Congress sought to develop the national movement, but how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people, nationalism in India. The story starts about the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. The First World War started in 1914 and ended in 1918. The war was ended in 1918. When the war was ended, in the year after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new months of struggles. How do we understand this development? What implication did they have?
जब 1919 में जो नेशनल मूवमेंट था वो नए नए क्षेत्रों में बढ़ा और जो सोशल ग्रुप थे वो इससे जुड़ते चले गए और एक नया आयाम आता गया संघर्ष का। क्या हम इसको डेवलपमेंट के रूप में समझ सकते हैं या कौन सी इम्प्लीकेशन अनुप्रयोग उसमें किए गए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो वार हुआ था वो एक नए आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को क्रिएट करने के लिए हुआ था और इट लेड टू द ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। इंक्रीजिंग टैक्सेस कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड बाय एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द वॉर ईयर प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। जो टैक्सीज थे, जो कस्टम ड्यूटीज थी और जो इनकम टैक्स थे वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, बढ़ा दिए गए और जो वार ईयर प्राइसेस था वो डबल हो गया 1913 और 18 के मध्य। जिससे क्या हुआ, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप टू द कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल थे उनकी जो लाइफ थी वो बड़ी कठिनाई के दौर पर चली गई, यही वो कठिनाई भरी हो गई। विलेजर वर कॉल्ड अपन द सप्लाई सोल्जर एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज वाइड स्प्रेड एंगर। देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी 1918 और 1921 में एक मानसून फेलियर हमें किस जिसे कह सकते हैं या क्रॉप फेलियर जिसमें कह सकते हैं, जिसके कारण क्या हुआ था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी हो गई थी। दिस वॉज अकम्पेंड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपेडमिक अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 टू 13 मिलियन पीपल पीरिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ फेमिन एंड द एपेडमिक। लगभग 13 जो मिलियन पीपल थे वो इससे प्रभावित हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि 1921 और से 1929 तक का जो समय रहा वो ग्रेट डिप्रेशन का रहा, महामंदी का रहा, विश्व में आर्थिक महामंदी आई। जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1915 एंड व्हेन महात्मा गांधी जी वाज इन अफ्रीका ही फॉट ए वॉर, इट मीन्स ही फॉट ही रेन ए मोमेंट, इट वॉज सो सक्सेसफुल, इट वॉज अगेंस्ट रेसिसिस्ट रिजाइम विद द नॉवल मेथड ऑफ मास एग्रेशंस विच कॉल्ड सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में एक मास मूवमेंट चलाया गया था जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना गया जाता। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था वो इतना पॉपुलर हुआ, वो रिलेटेड था तो ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, की सच्चाई के लिए खोज। ऐसा सजेस्टेड किया गया कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेगा वो जस्टिस को प्राप्त करेगा। द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट टू द ऑपरेशन। किसी व्यक्ति सत्याग्रह के द्वारा हम कह सकते हैं बिना हथियार के लड़ाई को लड़ना। सीकिंग विजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव ए सत्याग्रह कुड विन द हर्डल थ्रू नॉन वायलेंस। जो नॉन वायलेंस के द्वारा मनुष्य कठिन से कठिन लड़ाई भी जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑपरेशर पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड और एक्सेप्टेड ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। बाय दिस स्ट्रगल द ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। आखिर में जो क्या होता है, विजय ही प्राप्त होती है। और महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। और महात्मा गांधी को लगता है कि नॉन वायलेंस के द्वारा पूरे भारत को एक किया जा सकता है। महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस दैट इट इज ए वेपन ऑफ द वीक बट द पावर विच इज सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल कैन बी यूज ओनली थ्रू बाय द स्ट्रोंग। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेसिस्टेंस इन डीड इट्स कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव। सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स
जो सत्याग्रह है वो एक शारीरिक शक्ति नहीं है। यह सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, और सत्याग्रह किसी व्यक्ति को पेन नहीं देता, कठिनाई नहीं देता। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, वो ना ही किसी विस्फोट या किसी को नुकसान पहुंचाता है। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देर इज नो इल विल वट एवर, और कोई भी इल विल की बुरी भावना उसके अंदर नहीं होती। इट मीन्स सत्याग्रह इज प्योर सॉल्व फोर्स। सत्याग्रह क्या है? एक बहुत ही शुद्ध आत्मा के द्वारा संघर्ष। ट्रूथ इज वेरी सब्सटांस ऑफ दिस सॉल, और जो सच्चाई है इसका मुख्य पदार्थ होता है। दैट्स वाई दिस फोर्स कॉल्ड सत्याग्रह दिस सॉल इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज इन द बम्स ऑफ फ्लेम ऑफ लव। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, और जो नॉन वायलेंस होती है इसमें सुप्रीम सर्वोच्च धर्म के रूप में माना जाता है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कॉल ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बियरर्स ऑफ आर्म्स। द हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, दे हैव मेड ए रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत वाले लोग थे वो हथियारों से नहीं लड़ सकते थे, बल्कि वो संघर्ष के द्वारा, स्पेशली सत्याग्रह के द्वारा भारत में यूनाइट होके जीत सकते थे। रोल एक्ट, जो रोल एक्ट था वो 1919 में आया था, और इसका एक्ट जो आया ये जब पास हुआ तो इसके खिलाफ भारत में बहुत से संघर्ष हुए, इसके खिलाफ बहुत से आंदोलन हुए। व्हाई द पीपल बी एग्रीगेटेड अगेंस्ट दिस एक्ट, बिकॉज दिस एक्ट गिव्स इनॉर्मस पावर्स टू द गवर्नमेंट एंड अलाउड डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। जो इसके खिलाफ हड़ताल होती है 6 अप्रैल को, रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी disrupted, the British administration decided to clamp down the one nationalist. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post office and railway station. Martial law was imposed and General Dyer took command. Ab जो हड़ताल हुई उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जो 6 अप्रैल को शुरू हुआ था, और जनरल डायर को इसकी कमान दी गई। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। Some came to protest against the government new repressive measure. Others had come to attend the annual Baisakhi for being from outside the city. Many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. और जो लोग वहाँ पर मेले में आए थे,